नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा का बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ी मुझे क्वेरीज आई थी। जिन लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, और ज़्यादातर लोग दो स्टेज में फॉलो करते हैं, या तो बिगिनर्स लोग हैं और या तो जिनको लॉस किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कोई जो हम जो स्ट्रेटजी अभी आजकल फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ORB है, 12 PM है, ओपन इज इक्वल टू लो है, ओपन इज इक्वल टू हाई है, फिर ORB और 12 PM का मिक्सचर है, तो ये जो तीन चार स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं वो ब्रेकआउट रेंज के ऊपर डिपेंड होती है, राइट? तो ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कभी कोई स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिक ट्रेडिंग किया नहीं होता है। दूसरा, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट चीज़ें भी फॉलो कर रहे हैं, हम काउंटर ट्रेडिंग भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की होती है। उसकी वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे ट्रेडर्स को क्या आते हैं कि वो अनकम्फर्टनेस फील करते हैं, राइट? क्योंकि अभी तक का जो ट्रेडिंग है काफ़ी सारे लोगों का, वो क्या है कि विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, विदाउट काउंटर ट्रेडिंग का है, विदाउट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। कई लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मुझे कुछ फीडबैक आए थे कि सर पहले भी हम स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, पर वो स्ट्रेटेजी को सही तरह से समझ नहीं पा रहे थे। स्ट्रेटेजी से में से ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी के फॉल बैक्स क्या है, वो भी पता नहीं था, राइट? तो सुबह सुबह कॉल्स आते हैं, मल्टीपल कॉल्स आते हैं, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैंने एक रास्ता सोचा है कि आपको अपना माइंड थोड़ा कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, राइट? तो आपको करना क्या, एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करना है कि जो हम निफ्टी में 20-25 स्टॉक्स का लॉट लेते हैं, तो मैंने वीडियो में आपको एक वीडियो में रिसेंटली सिखाया था कि आपको क्या करना है कि अगर आपके कैपिटल कम हो और आप ज़्यादा स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 5 या 7 स्टॉक अपने फेवरेट स्टॉक रखने हैं, ठीक है? इतना तो कोई भी इंसान कर सकता है। तो स्टेप नंबर क्या है कि सिलेक्ट 5 to 7 स्टॉक्स। अब वो कोई भी हो सकते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डॉक्टर रेड्डी सिलेक्ट कर लिया, मतलब फार्मा का आ गया, एक रिलायंस सेक्टर कर लिया, मतलब आ गया मेरे पास ऑयल सेक्टर वाला, एक लुपिन से आ गया, एक TCS आ गया, एक ACC आ गया, कोई एक बैंक वाला भी सिलेक्ट करो, अगर इंडसइंड बैंक बैंक पता है तो, कोटक बैंक पता है तो, कुछ भी ऐसा। तो एक बैंकिंग स्टॉक आ गया, एक एनर्जी साइड आ गया, अगर टाइटन या L&T अच्छा लगता है तो टेक टाइटन ले लो, कुछ भी तरीके से, राइट? क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में ज़्यादातर स्टॉक अच्छे ही है और अपने फॉलो करते हैं कि जो 500 से ऊपर है और 2500 के आसपास अंदर है, ठीक है? तो डाइवर्सिफाई करके आप एक 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 स्टॉक चूज कर सकते हो, राइट? इतना तो हो ही सकता है, ठीक है? ये बहुत सिंपल स्टेप है। अब क्या करना है, जैसे कि ये मेरा पर्सनल स्टॉक है कुछ, जैसे डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस, लुपिन, TCS, ऐसे, मतलब मैं सालों से ट्रेड करते आया हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सभी निफ्टी स्टॉक में किया और आई एम कंफर्टेबल विद मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि हर एक का मुझे काफ़ी सारे मूवमेंट्स वगैरह पता है। अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि मैं लुपिन अभी देख रहा हूँ स्टॉक, ठीक है? तो अभी 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 उसका एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, घर पे बैठे बैठे शांति से ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो क्या करना है कि स्टडी देयर पैटर्न्स एंड देयर ब्रेकआउट्स इन लास्ट 5 डेज। तो जैसे कि मैं चार्टिंग में गया, मैंने लूपिन एंटर किया, 5 डेज का 15 मिनट का चार्ट मैंने किया, 5 डेज 15 मिनट, तो ठीक है, मुझे देखना है कि क्या हुआ था 12 तारीख को लूपिन में, क्या हुआ था। तो 12 तारीख को मैं लूपिन में क्या हुआ, वो ORB मतलब फर्स्ट कैंडल के बाद क्या हुआ, 12 PM के बाद क्या हुआ, मुझे उसको सिर्फ देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि लूपिन क्या कर रहा है, लूपिन कर क्या रहा है, राइट? सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। फिर 11 तारीख को लुपिन ने क्या किया, फिर 10 तारीख को लुपिन ने क्या किया, फिर 7 तारीख को लुपिन ने क्या किया, फिर 6 तारीख को क्या किया। ज़्यादातर निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स है वो ट्रेंडेबल होते हैं, बायस स्टॉक होते हैं, मतलब एक साइड मूवमेंटम होता है, जब मार्केट कंसोलिडेटेड होता है ना तभी उसमें थोड़ी जिगजैग मूवमेंट आती है। तो ये जो हमारे पास एक्सेल सीट है, ये एक्सेल सीट ऑलरेडी मैंने दी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा एक्चुअली एक्सेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाया हुआ है। बहुत बुलिश ट्रेंड होगा तो इस तरह से मार्केट जाएगा, बहुत बुलिश होगा तो इस तरह से, फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, नीचे जाके ऊपर आएगा, नीचे खुलेगा स्टॉक, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर आएगा, इसका रिवर्स होगा, डबल जिगजैग होगी, बोरिंग पैटर्न होगी, बेल कर्व होगा, रिवर्स का बेल कर्व होगा, तो आप मैच कर सकोगे। आप हर एक बार एक्सेस करोगे तो आप पैटर्न भी मैच कर सकोगे कि क्या हुआ, क्या हुआ रहा था, क्या हो रहा था मार्केट में। फिर आप क्या करना है, स्टडी देयर पैटर्न्स एंड ब्रेकडाउन फॉर लास्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ में आ जाना है, 1 मंथ में आ जाना है आपको, और बाद में 1 मंथ में सिलेक्ट करना है कि क्या हो रहा था 1 मंथ में। वन डे सिलेक्ट कर लिया मैंने, मेरी गलती हो गई। इस तरह से करना है। अगर आप जीरोधा वगैरह या कोई भी इंडिया इंफोलाइन या कोई भी 5 पैसा या कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो तो ये सब डेटा आपको दिखाई दिया होगा। चार्टिंग में इतना जूम पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 आवर
का चैट ले लिया 1 month के लिए तो भी चले गए। मेरे को तो सिर्फ उसकी मूवमेंट देखने की, क्या हो रहा था। ठीक, तो आप मूवमेंट 15 मिनट पे बेस पे भी देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ लेके आपको क्या करना है कि लास्ट 3 मंथ तक देखना है। ठीक है, इससे पता चल क्या लगेगा, ऐसा होमवर्क का रीज़न क्या है, आपका माइंड कंफर्ट फील करेगा, आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, कैसी मूवमेंट है इस स्टॉक की, समझ रहे हो। फिर सभी स्टॉक में आप ORB और 12 PM चेक कर सकते हो कि ORB वाली कैंडल में कैसा ब्रेकआउट मिला है, 12 PM वाले में कितना। फिर हाई और लो पॉइंट्स चेक करने हैं, उसके हाई और लो पॉइंट्स कितने होते हैं। फिर पैटर्न कंक्लूजन, मतलब पैटर्न देख कैसी पैटर्न हो रही है वो देखना है। फिर वोलाटिलिटी चेक करनी है, कैसा मूवमेंट था उसका मार्केट में, समझ रहे हो। तो अब इससे क्या होगा कि लेट से कि मैं बिगिनर हूँ, मैंने ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, दूसरा कि मुझे लॉस हुआ है, तो तीसरा मैंने कभी इस तरह से ट्रेडिंग ही नहीं किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5-7 स्टॉक के एनालिसिस किया है, ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी के बारे में मुझे पिछले 3 महीने से लेके, 1 महीने से लेके, पिछले 5 दिन से लेके मुझे उसका मूवमेंट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है डॉक्टर रेड्डी में, उसका करंट ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड क्या था। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ, देखो लाइव एग्जांपल कि वो ऐसा करने से माइंड में क्या इम्पेक्ट आता है। डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, अब डॉक्टर रेड्डी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, 1 महीने का, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक अप गया, डाउन गया, अप गया और अभी फिर डाउन गया, दोजी कैंडल मतलब अनडिसाइडेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 महीने का डेली चार्ट देख लेते हैं अपने, क्या हुआ था। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से मतलब जुलाई से तो उसका अप ट्रेंड ही था, आप बोलोगे, पर यहाँ से शायद उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, पता नहीं कि ये पोज लेकर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वो सब स्पेकुलेशन की बात है, पर इतना तो आप जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, राइट। अब एयर और देख सकते हैं, चलो 1 साल के लिए डेली का चार्ट देख लेते हैं, चलो। तो क्या हुआ, तो उसने हाई मारा था जनवरी में, कितना हाई मारा था, 2615, यहाँ पे कितना हाई मार के चला गया वो देखो, 2660, ठीक है, पता चला। फिर अभी यहाँ पे क्या करा है, क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आगे जाके पता चलेगा, राइट। तो ये पूरा एक्चुअली 1 साल में कैसा ट्रेंड है उसका, कि यहाँ से अप हुआ था, यहाँ से देखने जाए तो अप हुआ था, पर ये टोटल यहाँ पे तो जिगजैग मूवमेंट ही उसकी चल रही है, देखो, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी के बारे में इतना पता चलेगा, फिर क्या करोगे, 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट देखोगे, 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट। तो 10 डेज में क्या हुआ है कि आपको कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिख रहा है या तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस अप में है, एक्चुअली अप में था, कहाँ तक था वो, 10-9 तक था, अभी क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, देखा। तो ऐसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा कि हर एक डेट पे नोट करते जाओ कि हाई लो, उसमें ज़्यादा लिखना पढ़ना भी नहीं है अपने को, जैसे कि मैं ये जैसे 5 दिन का इसका चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएंगे कितना हाई मारा है कितना लो मारा है, सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता चल जाएंगे क्या पॉइंट है, कितना डिफरेंस है, ORB पे क्या ट्रेड हुआ, 12 PM की क्या ट्रेड हुआ, ये सब इसको सिर्फ अपने माइंड को फील कराना है, ताकि हम धीरे 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 पता चले कि अच्छा हाँ डॉक्टर टेडी का इमीजिएट जो था वो डाउन ट्रेंड रहा है, फिर जिगजैग मूवमेंट में रहा है, उसने ईयरली हाई 2660 के आसपास मारा था, दूसरा हाई 2615 पे था, तो काफ़ी सारी माइंड को कंफर्टेबल मिल जाता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं डॉक्टर रेड्डी को जानता हूँ, उसके पास से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। फिर वैसे रिलायंस में जाओ, फिर जैसे लूपिन में जाओ, जैसे TCS में जाओ, तो बाद में क्या करोगे कि मैंने ऐसा बोला था कि अगर अच्छी तरह से ट्रेड करना है तो एक पर्टिकुलर कुछ ही ग्रुप का स्टॉक रखो, प्रोबेबिलिटी डालने के लिए हमको 5-6 स्टॉक तो चाहिए, कोई 1-2 स्टॉक में एंटर करके नहीं घुसना है, पर इतना एनालिसिस करके बैठो कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको उसका हाई उसका लो उसका इमीडिएट ट्रेंड उसका प्रीवियस ट्रेंड ये सब। क्योंकि होगा क्या पता है कि करने के लिए तो काफ़ी सारे स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं, पर जब तक आपका माइंड भी अभी आज तक डॉक्टर रेड्डी में किया ही नहीं हो तो आप क्या करोगे, आज तक TCS में किया ही नहीं तो क्या करोगे, अब तक ACC में किया ही नहीं तो क्या करोगे। तो जब तक कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप जान नहीं लोगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत होमवर्क नहीं करोगे, आपको माइंड को कंफर्टनेस नहीं आएगा,
समझ रहे हो, तभी आपके माइंड को कंफर्ट नहीं आएगा। काफी सारे जो स्टॉक्स है वो मेरा बोल रहा हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैंने काफी सारे ट्रेडिंग ये सब स्टॉक्स में किया हुआ है। हो सकता है किसी को डॉक्टर रेड्डी अच्छा ना लगे, किसी को सन फार्मा अच्छा लगे, राइट, किसी को TCS नहीं, किसी को इंफोसिस अच्छा लगे। ऐसा होता है, माइंड में ऐसे सूटेबिलिटी बैठ जाती है, ठीक है। तो धीरे 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 उस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा होमवर्क करो, फिर बाद में वो एक पोर्टफोलियो बना के उसमें ही लगे रहो, समझ रहे हो। फिर दूसरे स्टॉक्स पे स्टडी करना शुरू कर सकते हो बाद में, नेक्स्ट फेज में, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दूसरे स्टॉक्स के शायद मेरे को जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये हर बार फिर नशा चढ़ेगा ये सब करते जाओगे तो। फिर अपने जैसे ही नई नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो अगला नॉलेज भी काम आएगा, समझ रहे हो। तो ये सब तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, डायरेक्ट ब्लाइंड कॉल्स नहीं ले सकते। इसी तरह से ही कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना सा ही होमवर्क है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हर रोज इस पे स्टडी करो। बहुत इससे सिंपल चीज़ है पर आपको बहुत ये काम आएगा, ठीक है। और दूसरी क्या, अगेन एक चीज़ बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अगर इंट्राडे प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया वो भी एक्चुअली एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो ये सब वीडियोस फॉलो कर सकते हो और ये सब एक्सरसाइज भी कर रहे हो, नो वरीज। आपके माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना है इसमें, और कोई बात नहीं। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये सब अलग अलग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो इसके लिए, और यूट्यूब में सब लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वो भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू।